आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेमिन एक्शन न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये अजीब गरीब एक ऐसा बयान ये शख्स दे रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे मीडिया के भाई जाकर अपना माइक लोगो लगाकर ठहर गए हैं। ये कभी 18 लाख कहते हैं तो कभी 30 लाख। तो आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। आइए, सदन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई। 11 तारीख के दिन 3 बजे मोहम्मद रिजवान के दो दोस्त सलीम और नईम ने मिलकर इन्हें वहां से लेकर गए और बाजार घाट के इलाके में ले जाकर इन्हें मारा पीटा, ये ऐसा बताया जा रहा है, और मार मार कर इस शख्स की अधमरी हालत कर दी गई। इसके बाद इनके वालिद मोहम्मद अफजल को फोन किया गया और ये कहा कि तुम्हारा लड़का हमारे कुछ पैसे बाकी है। राउंड फिगर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये साहब कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहम्मद अफजल है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रिजवान। 11 तारीख के दिन 3 बजे मेरा बच्चा यहाँ से गया, लीजर होटल संतोष नगर बानो नगर में मेरा घर है। नीजा होटल पार करके गया, वो सलीम बोल के ड्राइवर है, सलीम आके क्या बोला, चलो जरा हमारे भौने से मिल लेंगे तो बात कर लेगी, आ जाएंगे रिजवान, कुछ भी नहीं होता, उसके बाद मैं लागे यहाँ छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, वो बोल के गए तो 11 तारीख को ले आके किडनैप करके सलर में बंद कर दिया उसको। बंद करके 15-16 आदमी मिल के उसको खूब मारे, मार के फिर मेरे को फ़ोन करे, फ़ोन करके बोले तुम बाजारघाट चौरस्ते को आओ। वो तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ बोला। फिर मैं बाजारघाट चौरस्ते को गया, गया तो बच्चे को शिकार है, जितने भी पैसे दिया तो बोल, बाबा को दिया जितना भी दिया बोल, 18 लाख दिया बोल, 20 लाख दिया बोल, 20 ऑटो आए बोल, बोल उसको मार मार के बोलने लगा रहे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी उसकी, समझे। और वो मेन सलीम यहाँ से लेके गया और वो नईम बोल के है, और नईम के साथ 15-20 जने हैं, समझे, ये पूरे गांजा पीने वाले है। और वो टानी के शीशिया है, वो एक चाचा शीशिया पी रहे, समझे, पीने को। 11 तारीख को लेके गए, 12 के दिन 11 को 12 को 2 दिन बहुत मारे, मार के मेरे को फोन करे, तो मैं 12 के दिन गया, गया तो बोले भाई तुम कुछ तो भी करो, तो मैं मेरे से नहीं होता भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। जब आप गए थे वहाँ पे तो बच्चे से मुलाकात हुई थी आपकी? बच्चा को भी लेके आए, थोड़ी देर में लेके आए बच्चे को, और 6-7 बाजार चौरस्ता, चौरस्ते के बाजू वो गैस का सिलेंडर की दुकान है, वो दुकान पे बैठे 6-7-8 जने थे लोग। जब बच्चा यहाँ से गया उसकी इत्तला आपको कैसा मिली? 12 तारीख को लोग फोन करके बोले मेरे को फोन करे, भाई तुम्हारा बच्चा ऐसा आया है और बच्चा पैसे देना है। बोला कहीं को दिए भाई बच्चे को पैसे, आप क्या समझ के दिए, बच्चे का कारोबार क्या है? बोले नहीं वो सब नहीं मालूम, पूरे पैसे तुम्हारे को लागे दिया, बोला बच्चा ये, और मेरे फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा ऐसा मारे है उसको कि बोलो ना को, समझे। तो बच्चा पहले 5-6 साल मेरा होम गार्ड में करा गच्ची बोली, और ये चन्ना गुट्टे के आगे कौन सा की एरिया है वहाँ पे करे, वहाँ पे करा, वहाँ से गच्ची बोली DCP की गाड़ी चलाए, अभी प्रेजेंट कहाँ थे? वहाँ थे ना DCP गच्ची बोली, ड्यूटी पे जा रहे थे? नहीं ड्यूटी पे नहीं, 2.5 साल हुआ टक्कर हो गए, हड्डिया पैर की हड्डी टूट गई थी मेरे बच्चे की, 2.5 साल से घर में थे मेरे, घर के बाहर नहीं जा रहे थे, अब 2 महीने हुआ निकल गया, चलना नहीं आ रहा अभी भी। पैसा का जिक्र कर रहे हो, कब लिए वो? कब लिए पैसे वो नहीं मालूम, हम आपको नहीं मालूम कितने लिए बोल के बोल रहे हैं। एक जना 30 लाख बोल रहा है, एक जना 32 लाख बोल रहा है, एक जना 35 लाख बोल रहा, समझे। तो 10 तो भी दे दो, 8 तो भी दे दो, 5 तो भी दे दो, आखिरी में 3 दे दो, तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगा दे दो, ठीक है बोल के मैं 2 लाख रुपये दिया तो 2 लाख रुपये दूसरों के अकाउंट में डाले, वो एक और एक क्या की नाम है उसका हिंदू का, नहीं उस पे फोन पे भेजा है, एक को 1 लाख रूपये भेजा है और एक को हमारे बच्चे के फोन पे 1 लाख रूपये डाले, समझे। दोनों के नाम जो बोल रहे हैं वो क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? वो सलीम जो है वो टैक्सी चलाता हूँ, और वो जो नईम है उन्हें क्या करता नहीं मालूम मेरे को, और वो नईम के साथ 15-20 है, पूरा गांजा पीने वाले है। जो हुआ इसकी पहली बार इत्तला हुई या इससे पहले भी इनके कुछ? नहीं 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 भी 12 तारीख हुई, मैं 12 तारीख को जाके आया तो मतलब ठीक है, मैं 13 तारीख के दिन उनको पैसे दियो, तो 13 तारीख के दिन शाम में छोड़े उन्होंने,
तोड़ने का, बच्चा मेरा आया फिर दूसरे दिन खामोश बैठ गया, सो गया। फिर दवाखाने को लिया गया, शरीक करा, गुलोकर चढ़ाए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 14 तारीख को गए तो फिर गुलोकर चढ़ाए, फिर 16 तारीख को उस्मानिया को गया। उस्मानिया में गए तो बोले नहीं भाई तुम वोजा नहीं लेते, पुलिस को बुलाए तो लेते हो, जो भी है चक्कर के पेपर लिख के दिए मेरे को। तो वहाँ से लाने के बाद घर को रात भर बच्चा सोया नहीं, 16 तारीख को सुबह तक होशियारी बैठा हुआ है। तो वहाँ से अवेशी को लेके गया सुबह के, वो पुलिस कंप्लेंट दिया तो बच्चे को भी मार देते, बच्चे को जेल को भी जाते, तुम्हारे को भी परेशानी है। तो बोला ठीक है भाई 3 लाख दे दो, ना 2 लाख तो आपको दे दे रहा हूँ, 1 लाख रुपये 10 तारीख को आके ले लो। वहाँ से अवेशी में शरीक करे, 9:30 को घर को लाए, 12:30 को बच्चा मेरा मर गया। समझे तो आप शिकायत क्यों नहीं करे पुलिस स्टेशन? पुलिस को तुम कंप्लेंट दे दो तो आपको मारता हूँ। बोल रहे ये नहीं भाई, आपका बच्चा खुद एक पुलिस में काम करता था तो फिर आपको पुलिस से मदद लेना चाहिए था ना, पैसे के ऐसे लोगों को देखे हिम्मत तो भी हमारा बच्चा नहीं बढ़ने दिया, नको दो कंप्लेंट बाबा मार रहे मेरे को पुलिस कंप्लेंट कर रही है। अब मेरे पास है रिकॉर्डिंग है, शाम में छोड़े, भी 8 बजे पैसे दिए, 10 बजे छोड़े। डॉक्टर वो मारा बहुत लग गए, फसली पे, रान पे, घुटने पे, सर पे, गर्दन पे, हाथ पे, समझे। तो बात करने नहीं आ रहा था उसको, उतनी तकलीफ में था। इससे पहले लड़ाई कोई पुरानी दुश्मन नहीं? नहीं लड़ाई वड़े कुछ भी नहीं है आज तक, 35 साल होगा मेरे को यहाँ आके। कितने लोग मारे बोल रहे हो? 16 आदमी आते कहते हैं, 16 में 9 आदमी मारे हुए। अब आप कोई पुलिस में कंप्लेन दी है इसके बाद? ऐसा पीएस में दिया, सरकार साहब बहुत बोले मेरे को, सरकार साहब बोले तुम कहीं को डर रहे चीचा, मैं हूँ ना, ऐसा ऐसा भी बोले मैं हूँ ना, तुम खाली हाँ बोलो मैं जो क्या करता हूँ। तो मैं बोला मेरे को सरकार साहब ऐसा बोल रहे लोग मेरे बच्चे से बढ़ के नहीं है, अरे तुमको नक्को डरो जी नक्को डरो। फिर भी सरकार साहब को समझाया तो ये हुआ, सरकार साहब तो जब ही पूरा को उठा लेंगे बोले। तो बच्चा जिंदा था जब ही आप करे? हाँ समझे, सरकार साहब की ऐसे की मेहरबानी, पुलिस की मदद नहीं ली? नहीं लिया, बच्चा नक्को नक्को बोला ना, बच्चा स्टेटमेंट दिया पुलिस वालों, गए थे नक्को साहब बात हो गई, अब जब जो भी हो गया 2 लाख नहीं वहाँ पे कितने बड़े रोड यहाँ रहने दो, तुम डरो ना को होना तो तुम्हारे घर के सामने पुलिस वाले को भी ठहरा करता हूँ। नौ जनों के नाम है आपके पास? 2 जनों के नाम है सब। कौन कौन? एक मेन यहाँ से सलीम लेके गया और दूसरा मेरे को जो बुलाने वाला। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।